हेलो आदि, हेलो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ गन लेने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है? ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है गुड़गांव से। फाइनली हम लोग गुड़गांव पहुँच गए हैं और इतने दिन का लंबा ट्रिप, ये वाला व्यू बहुत दिन के बाद देखने को मिल रहा होगा। आज हमारी सोसाइटी का, ये मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ अभी। और इधर लंबा ट्रिप था हमारी, काफ़ी लंबी हॉलीडेज थी। और पहाड़ में तो क्या जन्नत हो रहा है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है वहाँ पे। कोहरा लगा हुआ है, बारिश आ रही है, ठंडा हो रहा है। और खूब चले हम वहाँ पे, खूब खाया, चाय मैगी खाई, तो बहुत ही बढ़िया अमेजिंग ब्रेक था। यहाँ आने के बाद वापस रियलिटी में आ गए कि वही गर्मी, इतनी सारी गर्मी हो रही है और एसी चला के बस बैठे रहो और काम करते रहो, ये वापस नई लाइफस्टाइल शुरू हो गई है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं अभी मेरी बहन के घर, तो थोड़ी देर में निकलते हैं। बस अभी अरविंद रेडी हो रहा है, अरविंद जैसे ही रेडी हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं मेरी सिस्टर के घर। क्या कह रहे हो? हमारा पानी का सोर्स अर्थ में नहीं है। हाँ। हमारा पानी का सोर्स यूरेनस की जो वो है ना, यूरेनस की बर्फ को पिघल के स्पेशली अर्थ से बुलाया जाता है, उससे हमारे बारिश आती है। वाह, अब तो कमाल खान से भी आगे निकल गए। उनका पानी फ्रांस से आता है, इनका तो अर्थ से में चलता ही नहीं कुछ। हेलो आदि, बहुत मजे कर रहा है पानी के। अच्छा एक बात बताओ, आपको स्विमिंग पूल ज्यादा पसंद है कि बाथ टब? अभी तो स्विमिंग पूल, क्योंकि मैं बाथ टब में बैठा हूं। वाह, जो बैठे हो पसंद नहीं है, जो नहीं बैठे हो पसंद है? हाँ बताओ, आप बताओ। इसका आंसर है, अगर मामा के घर में है तो स्विमिंग पूल और अगर अपने घर में है तो बाथ टब। मतलब जो मिल गया उसमें चैन नहीं है? ऐसा नहीं है, जो नहीं मिला उसकी फिक्र है। अब अभी तो हल्द्वानी में स्विमिंग पूल वाली मस्ती तो देखी होगी, स्विमिंग पूल में तो खूब मस्ती करी इसने। स्विमिंग पूल के बाद अब हमारे यहाँ घर में तो है नहीं स्विमिंग पूल, तो बाहर है, बाहर वाला ये जाता नहीं है वहाँ पर, इसको सूट भी नहीं करता और प्रॉब्लम भी होती है। तो लोग भी आते हैं ना, काफी सारे लोग आते हैं वहाँ पर। तो अब स्विमिंग पूल छोड़ के अब आदि जी यहाँ मस्ती कर रहे हैं बाथ टब में। आदि की मस्ती दिखाओ जरा बाथ टब में, क्या ये देखिए, ये सर बैठे हैं। बारिश हो रही है, ध्यान से दिखाना पड़ेगा नहीं तो एक्सपोज हो जाएगा, नहीं तो सेम सेम हो जाएगी। ये देखिए क्या एंजॉय हो रहा है। अभी देखना है आपको, देखो। तो देख ली आपकी बारिश तो हमने, ये देखो ये। वाँ वाँ वाँ। क्या बारिश कराई है, ज्यादा बारिश मत कराओ। बारिश कहाँ गिर रही है, आप इधर हो, बारिश उधर गिर रही है। हम लोग बस निकल गए हैं और आज हमने गाड़ी जो है बाहर खड़ी कर रखी थी, तो अब गाड़ी का एसी ऑन करके थोड़ी देर रुकते हैं। थोड़ा गाड़ी ठंडी हो रही है और थोड़ी देर हम बाहर छाया में वेट कर रहे हैं, थोड़ा गाड़ी नॉर्मल हो जाए तो फिर निकलते हैं आगे। वो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। क्या भयंकर गर्मी है भाई, गाड़ी में एसी चलाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि एसी चल ही नहीं रहा है। भी हम लोग पहाड़ से आए ना। हाँ, और पहाड़ों को ज्यादा ही मिस कर रहे हैं, और उससे ज्यादा। रोड तो इतनी चौड़ी है लेकिन यहाँ पर क्या है कि मंडी लगती है, और ये बस स्टैंड है यहाँ पर अंदर को। सारी बसों को वैसे इफेक्टिवली अंदर खड़ा होना चाहिए लेकिन होती नहीं है, वो सारी बसें बाहर ही खड़ी रहती हैं। और यहाँ पर बढ़िया एकदम मंडी लगती है, और क्या जबरदस्त सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल सब बहुत ही बढ़िया मिलता है यहाँ पे। हेलो आदि, हेलो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ गन लेने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है? ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि एक 19 ईयर के बच्चे ने पूरे 19 स्टूडेंट्स को, 2 टीचर्स को और अपनी ग्रैंडमा को गन लेके शॉप पे जाकर मार दिया था। अच्छा। वहाँ पे अगर आप 18 ईयर्स के हो गए तो आपको गन के लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही गन ले सकते हो, जो की बहुत गंदी बात है। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्या आपको पता है? इसे कहते हैं देखो ब्लॉगर्स ब्लॉग। हम लोग जो है पालम से आ गए हैं, हम पालम गए थे और खूब मस्ती
एक्सपीरियंस भी करी है अपने वहाँ का, वहाँ का हम ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। तो अब हमारा 8:30 हो गया है और हमारा लग गया है डिनर। और आज हमारे यहाँ एक तो बेचारी गरीब कैप्सिकम का नाम हुआ ही करता था, एक और बेल पेपर भी आया है शिमला मिर्च से काम चल जाता है। शिमला मिर्च से काम चल जाता है। तो हमारे यहाँ बना है मशरूम बेल पेपर और कैप्सिकम की सब्जी, हम खाते हैं खाना। शिमला मिर्च नाम था, फिर बेल कैप्सिकम हुआ बेल पेपर। आदि बोलता है बेल पेपर, गुच्चू कैप्सिकम और मैं बोलता हूँ शिमला मिर्च। आदि ने मौन व्रत रखा है, आदि कुछ नहीं बोलेगा। हैं? बिल्कुल नहीं बोलेगा, और इसके मुंह पर भी कैमरा ले जाओगे तो भी नहीं बोलेगा। बस हंसेगा राक्षस। मेरा मौन व्रत खत्म हो गया है। चलो फिर खाना खा लेते हैं इसी के साथ। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।